भगवत गीता तीसरा अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण बोले, हे लक्ष्मी, एक शूद्र महामूर्ख अकेला ही एक वन में रहता था। बड़े अनर्थों से कितना ही द्रव उसने इकट्ठा किया था। किसी कारण यूं ही वो द्रव जाता रहा। द्रव के जाने से वो शूद्र बहुत चिंतित रहता और लोगों से पूछता, कोई ऐसा कर्म बतलाओ जिससे ये पृथ्वी में द्रव्य होवे, मैं निकाल लूं, फिर से वो द्रव्य मेरे हाथ आवे। किसी से कहता था, कोई अंजन बताओ जिसे नेत्र में लगाकर पृथ्वी का सकल पदार्थ निकाल लूं। किसी ने कह दिया कि मांस मदिरा खाया पिया कर। वो वही खोटा कर्म करने लगा, चोरी चकारी करने लगा। एक दिन धन की लालसा से चोरी करने गया तो रास्ते में चोरों ने मार दिया। मरकर उसने प्रेत योनि पाई। वो एक वट के वृक्ष में रहा करता था और बड़ा दुखी था। हाय हाय कर रुदन और विलाप करता, हाहाकार करता रहता कि कोई ऐसा भी होवे मेरे कुल में जो मुझे इस अधम देह से छुड़ावे। ऐसे हाहाकार करते करते बहुत दिन बीत गए। इतने में उस शूद्र की स्त्री से एक पुत्र जन्मा। उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से उसने पूछा कि मेरे पिता क्या व्यापार करते थे और उनका देहांत किस प्रकार हुआ था। तब उसकी माता ने कहा, हे बेटा, तेरे पिता के पास द्रव्य बहुत था, सो यूं ही जाता रहा। वो धन के चले जाने से बहुत चिंतित रहते। एक दिन वन को गए कि किसी का धन चुरा लाऊंगा। तब मार्ग में चोरों ने उन्हें मार डाला। तब पुत्र ने पूछा, हे माता, उनकी गति कराई थी। तब माता ने कहा, नहीं। तब पुत्र ने कहा, हे माता, उसकी गति करानी चाहिए। माता ने स्वीकृति दे दी। तब वो पंडितों से पूछने गया, जाकर प्रार्थना की कि हे स्वामी, मेरे पिता एक वन में जाकर किसी के हाथों मारे गए, इसका उपाय कृपा कर कहिए जिससे उनका उद्धार होवे। तब पंडितों ने कहा, तू गया जी जाकर उनकी गति करा, तब तेरे पितरों का उद्धार होगा। तब उसने आज्ञा मानकर माता की आज्ञा लेकर गया जी को गमन किया। प्रयागराज के दर्शन स्नान करके फिर आगे को चला तो रास्ते में एक वृक्ष के नीचे सुस्ताने बैठ गया। वहां से उसको बहुत बड़ा भय प्राप्त हुआ। ये वही वृक्ष था जहां उसके पिता प्रेत योनि में रहते थे। उसी जगह चोरों ने उसको मारा था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा। उसका एक और नियम था कि वो एक अध्याय श्री गीता जी का भी नित्य पाठ किया करता था। उस दिन उसने उस वृक्ष के नीचे बैठकर श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ किया। उसके पिता ने प्रेत की योनि में सुना, सुनके उनकी प्रेत देही छूट गई और देवदेही पाई। स्वर्ग से विमान आए। वो विमान पर चढ़कर उसके सामने आए तथा आशीर्वाद देकर कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूं जो मरकर प्रेत हुआ था। तेरे इस पाठ के श्रवण करने से मैंने प्रेत योनि त्याग कर देवदेह पाई है। अब मेरा उद्धार हुआ है। तेरी कृपा से अब मैं स्वर्ग को जाता हूं। अब तू गया जी जाए तो अपनी खुशी से जा। मेरा उद्धार तो हो गया है। वहां जाके भी मेरा उद्धार ही करना था। जो पाठ तूने मुझे यहां सुनाया है इसी से मेरा कल्याण हुआ है। इतना सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा करूं। तब उस देवदेही ने कहा, हे पुत्र, मेरे 7 पीढ़ियों तक के पितर नरक में पड़े हैं, वे सब बड़े दुखी हैं। अब तू श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ करके उनको फल दे जिससे वो इस दुख से मुक्ति पावे। वो तेरे बड़े हैं, नरक से निकलकर स्वर्ग में पहुंचेंगे। इतना वचन कहकर वो देवदेही पाकर स्वर्ग को चला गया। तब उस बालक ने वहां तीसरे अध्याय का पाठ किया और सब पितरों को पुण्य देकर बैकुंठ गामी किया। तब राजा धर्मराज के पास यमदूतों ने जाकर कहा, हे राजा जी, नरक में तो बहुत से लोग नहीं हैं, वहां तो उजाड़ पड़ी है,
जो कई जन्मों के पाप कर्मी थे, उनको विमानों पर बैठाकर श्री ठाकुर जी के दूत ले गए हैं। इतना सुनते ही धर्मराज उठकर श्री नारायण जी के पास गए, जहां पाताल में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी विराजमान थे और श्री लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। वहां जाकर धर्मराज ने दंडवत कर और हाथ जोड़कर कहा, हे त्रिलोकी नाथ श्री महाराज जी, जो जीव जन्म जन्मांतर के पापी थे, उनको आपके दूत विमानों पर चढ़ाकर बैकुंठ को ले गए हैं। तब नरकों के भोगने का दंड किसको देवें और किस प्रकार दंड दिया करें? तब श्री नारायण जी ने बहुत प्रसन्न होकर कहा, हे धर्मराज, तू दुखी मत हो, तू अपने मन में कुछ बुरा न मान। मैं तुझे एक वृत्तांत कहता हूं, श्रवण कर। ये जीव पापी थे, इनका कोई पिछला धर्म उदय हुआ है, उस अपने धर्म से कई महापापी बैकुंठ को गए हैं, और ये एक आज्ञा तुझे देता हूं, जो जीव श्री गीता जी का पाठ करे अथवा श्रवण करे या कोई किसी को पाठ किए का फलदान करे, उन जीवों को तू कभी नरक न देना। तुझको मेरी आज्ञा है, ये बात सत्य कर निश्चय से याद रख। इतना सुनकर धर्मराज अपनी पुरी को सिधारे, आकर अपने दूतों को बुलाकर कहा, हे यमदूतो, जो प्राणी श्री गीता जी का पाठ श्रवण करे या पाठ किए का किसी को पुण्य देवे, उस प्राणी का तुम कभी नरक में न डालना। गीता जी के पाठ अथवा श्रवण किए से पापी जीव भी बैकुंठ को प्राप्त होंगे। जो जीव श्री गीता जी का पाठ करें श्रवण करें, उसका फल कहां तक कहें कहने में नहीं आ सकता। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, ये तीसरे अध्याय का फल मैंने आपको कहा है, जो आपने सुना है।